ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। वाञ्छाकल्पतरुवेश्य कृपासिन्धुव्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवाशादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानंदमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। I welcome all of you to Shri Shri Ram Navami Ram Katha. I am so happy to see all of you today morning. So today we will be discussing on the results of the benefits in Kali Yuga. We are all too much concerned about benefits. Yes, Kushal Bihari Prabhu is supposed to do the translation in Hindi. So, in Kali Yuga, we are all very much concerned about benefits. Kali Yuga mein hum sabhi labh ke liye bahut zyada chintit rehte hain. Every activity, everything we do, the first and foremost thing that we think is what benefits I am going to get. प्रत्येक कार्य जो हम करते हैं उसमें सबसे पहले जो हम सोचते हैं वो यही सोचते हैं कि इस क्रिया से मुझे क्या लाभ होने वाला है। What is it in for me? इसमें मेरे लिए क्या है? Sukadev Goswami and all our acharyas know this very well. Sukadev Goswami aur hamare sabhi acharya isko bahut acche tarike se jante hain. And that is why all the pastimes that Sukadev Goswami mentions in Srimad Bhagavatam, he never forgets to mention the phala shruti or the benefits. इसी कारण से भागवतम में वो जिन भी लीलाओं का वर्णन करते हैं वो कभी नहीं भूलते हैं उसकी फलश्रुति के बारे में बताने के लिए। फलश्रुति मीन्स द बेनिफिट्स। फलश्रुति का मतलब है लाभ। व्हाट बेनिफिट वी विल गेट बाय हियरिंग दैट पास्ट टाइम। हम उस लीला का श्रवण करने से क्या लाभ प्राप्त करेंगे? लाइक फॉर एग्जाम्पल वन डिवोटी वुज टू गेट लॉट ऑफ हॉरिबल हॉरिबल ड्रीम्स। उदाहरण के लिए एक भक्त था जिसको बहुत बुरे सपने आते थे। He used to get practically nightmares. उनको रात को बहुत बहुत भयानक सपने आया करते थे। Where he would be chased and thrown in some pit or will be killed, he will be cut in a sawmill. जहाँ उनका पीछा होता था, उनको किसी गड्ढे में डाल दिया जाता था और उनको किसी आरे में आरे से काट दिया जाता था। तो I just suggested to him based on the authority of Srimad Bhagavatam to read Gajendra Moksha. So, maine
भागवतम की के अथॉरिटी के आधार पर उनको बताया कि आप गजेंद्र मोक्ष की लीला का पाठ कीजिए। सो द फलश्रुति द बेनिफिट्स ऑफ गजेंद्र मोक्ष अकॉर्डिंग टू सुखदेव गोस्वामी इज दैट वन गेट्स रीड ऑफ ऑल द बैड ड्रीम्स. तो गजेंद्र मोक्ष की फलश्रुति सुखदेव गोस्वामी के अनुसार है कि व्यक्ति बुरे सपनों से बाहर निकल सकता है। तो एंड ही रेड द डिवोटी रेड उस भक्त ने उसका पाठ किया वेरी सिंसियरली ही रेड और बहुत बहुत सिंसियरली उसने उसका पाठ किया एंड ही डिन गॉट एनी बैड ड्रीम्स. और फिर उनको किसी भी दुस्वप्न कोई भी दुस्वप्न उनको नहीं आया। देन आई सजेस्टेड हिम टू रीड कृष्णा बुक सो दैट ही कैन गेट नाउ स्वीट ड्रीम्स अबाउट कृष्णा. फिर मैंने उसको सुझाव दिया कृष्ण बुक पढ़ने के लिए कि ताकि वो भगवान की सुंदर लीलाओं के दर्शन कर सके। तो बिकॉज गोल ऑफ लाइफ इज नॉट टू गेट रीड ऑफ बैड ड्रीम्स, गोल ऑफ लाइफ इज टू गेट स्वीट ड्रीम्स ऑफ कुकिंग फॉर कृष्णा एंड रोमिंग विथ कृष्णा इन वृंदावन. क्योंकि जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि हम अपने दुःस्वप्नों से निजात पा सकें। जीवन का उद्देश्य है कि हम भगवान की मधुर लीलाओं के दर्शन कर सकें, उनके साथ घूम सकें, उनके साथ खेल सकें। सो एवरी पास्ट टाइम इन श्रीमद भागवतम हैज दिस फलश्रुति. तो प्रत्येक लीला की कोई ना कोई फलश्रुति दी गई है। एंड एस्पेशली द रामलीला दैट इज मेंशन्ड इन श्रीमद भागवतम बाय सुखदेव गोस्वामी. सुखदेव गोस्वामी स्पीक्स दिस फलश्रुति दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे. और विशेष रूप से जो रामलीला का वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने किया है, उन्होंने इस विशेष फलश्रुति के बारे में चर्चा की है, जिसके बारे में हम शीघ्र ही बात करेंगे। सो दिस इज द वर्स वी विल रिसाइट टुगेदर. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. 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 नमो भगवते वासुदेवाय. पुरुषो रामचरितं पुरुषो रामचरितं श्रवणेरुपधारयन् श्रवणेरुपधारयन् आनृशंस्य परो राजन् आनृशंस्य परो राजन् कर्मबन्धेर्विमुच्यते. कर्मबन्धैर्विमुच्यते. एनीवन एल्स? पुरुषो रामचरितं. एनीवन एल्स? वन मोर डिवोटी. पुरुषो रामचरितम् श्रवणेर उपधारयन् श्रवणेर उपधारयन् आनृशंस्य परो राजन् आनृशंस्य परो राजन् कर्मबन्धैर्विमुच्यते. कर्मबन्धैर्विमुच्यते. वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन एंड पर्पोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदान स्वामी श्रील प्रभुपाद. श्रील प्रभुपाद की. पुरुषः एनी पर्सन रामचरितम द नरेशन कंसर्निंग द एक्टिविटीज ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड रामचंद्र. श्रवणेर बाय ऑरल रिसेप्शन. उपधारयन सिंपली बाय दिस प्रोसेस ऑफ हियरिंग. आन्र समस्य परा becomes completely free from envy. Rajan, O King Parikshit, karma bandhe, by the bondage of fruitive activities, vimuchyate, one becomes liberated. Translation. O King Parikshit. Yes, Kushal Bihari. Raja Parikshit. Anyone who orally receives the narrations. Koi bhi. इन नरेशंस को इसका वर्णन सुनता है कंसर्निंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉर्ड रामचंद्रस पास्ट टाइम्स जिसमें भगवान रामचंद्र की विशेषताओं का वर्णन किया गया हो विल अल्टीमेटली बी फ्रीड वो अंततोगत्वा मुक्त हो जाता है फ्रॉम द डिजीज ऑफ एनवी ईर्ष्या की बीमारी से एंड दस बी लिबरेटेड
और इस प्रकार वह मुक्त हो जाता है फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटीज, इस कर्म के बंधनों के से मुक्त हो जाता है। Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Here in this material world, इस भौतिक संसार में, everyone is envious of someone else. प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी से ईर्ष्या करता है. Even in religious life, it is sometimes found. यहाँ तक कि धार्मिक जीवन में भी कभी-कभी ऐसा देखा जाता है. That other devotees are envious of him. एक भक्त किसी और भक्त के से ईर्ष्या करने लगते हैं। Such envious devotees are not completely freed from bondage of birth and death. इस प्रकार के ईर्ष्यालु भक्त जन्म और मृत्यु के बंधन से पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाते। As long as one is not completely free from the cause of birth and death, one cannot enter the Sanatan Dham or the eternal pastimes of the Lord. और जब तक कोई जन्म और मृत्यु के कारणों से पूर्णतः मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह भगवान के सनातन धाम में या भगवान की चिर लीलाओं में प्रवेश नहीं कर सकता। One becomes envious because of being influenced by the designations of the body. व्यक्ति शरीर के उपाधियों के कारण उपाधियों से के प्रभाव में आकर ईर्ष्यालु हो जाता है। But the liberated devotee has nothing to do with the body, and therefore he is completely on transcendental platform. लेकिन जो मुक्त भक्त है वह शरीर से कोई भी चिंता नहीं रखता, इसी कारण से वह पूर्णतः देवीय तल पर होता है। A devotee is never envious of anyone, even his enemy. एक भक्त किसी के भी प्रति ईर्ष्यालु नहीं होता, जबकि कोई इवन अपने शत्रु के प्रति भी ईर्ष्यालु नहीं होता। Because the devotee knows that the Lord is his supreme protector, he thinks, what harm can the so-called enemy do? क्योंकि भक्त को यह पता होता है कि भगवान परम रक्षक हैं, तो वह यह सोचता है कि कोई शत्रु मेरा क्या बिगाड़ सकता है। Thus, a devotee is confident about his protection. और इस प्रकार एक भक्त अपनी रक्षा के लिए पूरी तरह कॉन्फिडेंट होता है। द लॉर्ड सेज ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य। अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन वन सरेंडर्स अनटू मी आई रिस्पोंड हिम अकॉर्डिंगली। तो जिस सीमा तक कोई भक्त मेरी शरणागति में आता है उसी के अनुसार मैं रिस्पोंड करता हूं। A devotee must therefore be completely free from envy, especially of other devotees. इसीलिए एक भक्त को सभी प्रकार की ईर्ष्याओं से मुक्त होना चाहिए और विशेष रूप से भक्तों के प्रति अपनी ईर्ष्या से मुक्त होना चाहिए। To envy other devotees is a great offense, a Vaishnav अपराध। अन्य भक्तों से घृणा करना, ईर्ष्या करना एक महान अपराध है, एक वैष्णव अपराध। A devotee who constantly engages in hearing and chanting is certainly freed from the disease of envy. और एक भक्त जो निरंतर hearing यानी श्रवण और कीर्तन में अपने आप को लगाए रहता है, तो वह इस ईर्ष्या की बीमारी से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। And thus he becomes eligible to go back home, back to Godhead. और इस प्रकार वह भगवान के चिरंतन धाम में जाने के लिए योग्य बन जाता है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ एनवी दैट वी आर ऑल हियर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। केवल ईर्ष्या के कारण ही है कि हम सभी इस भौतिक संसार में हैं। Actually, there is no reason to become envious of anyone. वास्तविकता में कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिसके कारण हमें किसी से ईर्ष्या करनी चाहिए। But still, we are unnecessarily envious of others. लेकिन फिर भी हम अकारण ही सभी लोगों से ईर्ष्या करते हैं। And this envy
towards others binds us in this karmic reactions of this material world. और ये ईर्ष्या हमें इस भौतिक बंधन में बांध के रखती है. So today we will see that how is that by just hearing Lord Ram's pastimes we can get rid of this envy of heart. आज हम देखेंगे कि किस प्रकार केवल भगवान राम की लीलाओं का श्रवण करने मात्र से हम इस ईर्ष्या के बंधन से मुक्त हो सकते हैं. How is that? What are the speciality of Lord Ram's pastimes that can actually help me to get rid of envy? भगवान राम की लीलाओं में ऐसा क्या है कि उनके श्रवण मात्र से मैं इस ईर्ष्या के बंधन से मुक्त हो सकता हूँ? Envy arises because of competitive mentality. Envy हमारी कॉम्पिटिटिव मेंटेलिटी यानी हमारी प्रतियोगिता करने की जो हमारी मानसिकता है उससे पैदा होती है. बिकॉज वी आर कन्विंस्ड दैट इफ ही गेट समथिंग आई विल नॉट गेट इट. क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर उसको कुछ प्राप्त हो जा रहा है तो मुझे प्राप्त नहीं हो पाएगा. इफ ही गेट्स ए गुड जॉब देन आई विल नॉट गेट ए गुड जॉब. उसको अगर अच्छी नौकरी मिल रही है तो मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी. इफ ही गेट्स अ ब्यूटीफुल वाइफ देन आई विल नॉट गेट अ ब्यूटीफुल वाइफ. उसको अगर सुंदर पत्नी मिल रही है तो मुझे सुंदर पत्नी नहीं मिलेगी. इफ ही इज स्टेइंग इन अ ब्यूटीफुल हाउस देन हाउ विल आई गेट अ ब्यूटीफुल हाउस. अगर वो एक सुंदर घर में रह रहा है तो मुझे कैसे सुंदर घर प्राप्त हो सकता है? सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एनवी अनहेल्दी कंपैरिजन. यह ईर्ष्या की शुरुआत है जो खराब कंपेरिज तुलना है उसके कारण प्रारंभ होता है. बट इन लॉर्ड राम्स पास टाइम्स वी विल सी दैट हाउ अकॉर्डिंग टू श्रील प्रभुपाद एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय कृष्णा और लॉर्ड राम अनलिमिटेड वेज इन अनलिमिटेड टर्म्स. तो हम भगवान राम की लीलाओं में देखेंगे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान राम भगवान कृष्ण ने सब कुछ दिया हुआ है. एवरीथिंग इज अवेलेबल इन इनफाइनाइट अनलिमिटेड वेज. और प्रत्येक वस्तु हमारे लिए दी हुई है अनंत मार्गों से अनंत तरीके से. व्हेन विभीषण केम टू सरेंडर टू लॉर्ड राम जब विभीषण भगवान राम की शरणागति प्राप्त करने के लिए आए थे. Everyone was against of his surrender. तो प्रत्येक व्यक्ति उनको शरण देने के विरुद्ध था. Lord Ram called for a meeting, and in the meeting, everyone spoke how these asuras, these demons, they are completely unreliable. भगवान राम ने एक बैठक बुलाई और वहां पर प्रत्येक व्यक्ति यह बोल रहा था कि किस प्रकार ये राक्षस हमारी विश्वास करने योग्य नहीं है. सुग्रीव अंगद नील नल जांबवान एवरीवन सपोर्टेड दिस वर्डिक्ट. सुग्रीव नल जांबवान अंगद सभी ने इस कथन का सपोर्ट किया. फाइनली लॉर्ड राम टर्न टू हनुमान और अंत में भगवान ने हनुमान जी की तरफ देखा. And he asked Hanuman, "What is your opinion about Vibhishan?" और उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि विभीषण के बारे में आपकी क्या राय है? Hanuman said, "When I had gone to take your message to Lanka, this Vibhishan was the person who saved me." तो हनुमान जी ने बताया कि जब मैं आपका संदेश लेकर लंका में गया था, तो उस समय ये विभीषण ही थे जिन्होंने मेरी रक्षा की. Actually, Ravan had already announced to prosecute me and kill me, but this is Vibhishan. He actually protected me. वास्तव में रावण ने तो ये घोषणा कर दी थी कि मुझे मार दिया जाए, मुझे दंड दिया जाए, मार दिया जाए, परंतु वो विभीषण ही थे जिन्होंने मेरी रक्षा की. And while I was burning the entire Lanka after that, I saw that this Vibhishan's Palace is filled with your names and all where your names are written. और जब मैं लंका को जला रहा था तो उस समय देखा
विभीषण जी का जो जो घर था वो आपके नाम के नाम से भरा हुआ था, आपका नाम सब जगह लिखा था। In order to protect myself from Vaishnava Aparad, I left that palace. और स्वयं को वैष्णव अपराध से बचाने के लिए मैंने उस महल को छोड़ दिया। So Vibhishan is a great devotee of yours. इसलिए विभीषण महाराज आपके बहुत बड़े भक्त हैं। So without hesitation, you must offer all protection to Vibhishan. तो बिना किसी सोच विचार के आपको विभीषण जी को पूर्ण रक्षा देनी चाहिए, शरण देनी चाहिए। And Lord Rama agreed. He called up Vibhishan and he took water in his hands and declared Vibhishan as the king of Lanka. भगवान राम तुरंत मान गए और उन्होंने विभीषण को बुलाया, अपने हाथ में जल ग्रहण करके उन्होंने तुरंत ही संकल्प लेके विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया। And everyone was shocked. प्रत्येक व्यक्ति एकदम हिला हुआ था। And Hare Krishna. So everyone started asking, "Ki Lord Ram, how can you do this? Because we don't even know. Imagine Ravan now comes and surrenders to you. How will you make Vibhishan the king of Lanka?" भगवान से पूछ रहा था कि भगवान यह कैसे संभव है, मान लीजिए कि आज रावण आपके पास आपकी शरण में आ जाता है तो आप किस प्रकार विभीषण को लंका का राजा बनाएंगे। Then Lord Ram said, "Then I will make Ravan as the king of Ayodhya." भगवान राम ने कहा कि मैं रावण को अयोध्या का राजा बना दूंगा। So then people asked, "Ki, if you make him the king of Ayodhya, what will happen to Bharat?" So लोगों ने पूछा कि अगर आप रावण को अयोध्या का राजा बना देंगे तो भारत का क्या होगा? Lord Ram said, "I will make him the in charge of Vaikuntha." So रावण ने कहा कि मैं भारत को वैकुंठ का राजा बना दूंगा। And if everyone becomes some in charge, what you will do, my lord? और यदि हर व्यक्ति कहीं का राजा बन जाएगा तो भगवान आप क्या करेंगे? I will become servant of everyone. भगवान ने कहा मैं प्रत्येक का सेवक बन जाऊंगा। And this is a fact that Krishna has the power, Lord Ram has the power to make each and every one of us, those who are assembled for today's class and those who have not assembled for today's class, and give them one Vaikuntha. और यह पूर्ण रूप से संभव है कि भगवान कृष्ण, भगवान राम, प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ इस क्लास में बैठा है या जो यहाँ इस क्लास में नहीं बैठा है, एक-एक वैकुंठ का स्वामी बना दें। So that is the power of Lord Ram. ये भगवान राम की शक्ति है। So there is no dearth of compassion of Lord Ram. तो भगवान राम की करुणा की कोई गहराई नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। So that is the first thing that we learn from Lord Ram's pastime, which helps us to dissolve our envy of heart. तो ये भगवान राम की लीलाओं का प्रथम लाभ है कि हमें अपने मन के जो ईर्ष्याएं हैं उनको समाप्त करती है। Lord Ram's compassion in this world to get anything, we require certain qualification. भगवान राम की करुणा को प्राप्त करने के लिए यही है, एक है कि हमें कुछ योग्यता की आवश्यकता है। Just to get into a company, sometimes our devotees and other people, those who call me, they have to go to 4-5 rounds of interview to get into one company. तो किसी नौकरी को प्राप्त करने के लिए, किसी कंपनी में जाने के लिए हम देखते हैं कि हमारे भक्त कभी-कभी 4-5 राउंड जाकर अपना साक्षात्कार देते हैं। When I was in IIT, Google and Microsoft used to come. जब मैं आईआईटी में था तो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट आते थे। They used to make 6 rounds of interview to
टू मेक एनी वन एंटर इन टू देयर कंपनी. तो उनकी कंपनी में प्रवेश देने के लिए वो 6 राउंड इंटरव्यू लेते थे. एंड फाइनली दे विल लीव विदाउट टेकिंग एनी वन. और कभी वो बिना किसी को लिए चले जाते थे. सो इन दिस वर्ल्ड टू गेट एनीथिंग वी रिक्वायर सो मच ऑफ क्वालिफिकेशन. इस संसार में कुछ भी प्राप्त करने के लिए हमें बहुत योग्यता की आवश्यकता है. बट लॉर्ड राम एग्जिबिटेड हिज सुप्रीम कंपैशन टू द मोस्ट डिसक्वालिफाइड पीपल. लेकिन भगवान राम ने जो अपनी परम करुणा है वो सबसे ज्यादा अयोग्य लोग हैं उनके प्रति दिखाई. सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ भक्ति. हम आज चर्चा करेंगे सभी प्रकार की जो अयोग्यताएं हैं भक्ति की उनके बारे में. एंड सम ऑफ अस have little bit of it, but I find that I have everything of it. तो कुछ लोगों कुछ हम में से कुछ के अंदर थोड़ी सी योग्यता होगी, लेकिन मुझे लगता है मेरे अंदर सभी प्रकार की योग्यताएं हैं. But Lord Ram is supremely merciful. लेकिन भगवान राम परम परम दयालु हैं. So the first personality that we will be discussing is about Kaikeyi. पहले व्यक्तित्व जिनकी चर्चा करेंगे वो है कैकेयी. कैकेयी वाज सो अफेक्शनेट टू लॉर्ड राम. कैकेयी भगवान राम के प्रति बहुत प्रेम करती थी. इट इज सेड इन रामायण दैट कैकेयी लव्ड लॉर्ड राम मोर डियर देन इवन भरत हर ओन सन. रामायण में ऐसा बताया गया है कि कैकेयी ने भगवान राम को भरत से भी ज्यादा प्रेम किया. And she was most extremely happy when it was declared that Lord Ram will become the king of Ayodhya. और जब भगवान राम को अयोध्या का राजा बनाने की घोषणा हुई थी, उस समय वो कैकेयी सबसे अधिक प्रसन्न थी. But unfortunately, she got affected by bad association. लेकिन दुर्भाग्य के वश में वो गलत संघ में के प्रभाव में आ गई. सो कैकेयी लैक्ड माइंड कंट्रोल. कैकेयी का जो मन था उसको नियंत्रण करने की कमी थी. मन को नियंत्रण करने की कमी. So exactly in the same way, we may be acting as devotees, serving as devotees, sometimes very, very enthusiastically, but sometimes momentarily we get affected by the conditionings of the mind because of the wrong association. कभी कभी हम भक्तों की बहुत अच्छे तरीके से सेवा करते हैं, लेकिन क्षण भर के लिए हम अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं. मंथरा वॉज इन अयोध्या. मंत्रा अयोध्या में थी. मंत्रा कुड हैव अफेक्टेड सुमित्रा, मंत्रा कुड हैव अफेक्टेड एनीवन, बट मंत्रा अफेक्टेड कैकेयी. मंत्रा किसी पर भी अपना दुष्प्रभाव डाल सकती थी. वो सुमित्रा के ऊपर अपना दुष्प्रभाव डाल सकती थी, लेकिन उन्होंने अपना दुष्प्रभाव कैकेयी के ऊपर डाला. सो कैकेयी वाज प्रोन टू बी अटैक्ड बाय मंत्रास नेगेटिविटी. मंत्रा की जो नकारात्मकता है उससे प्रभावित होने के लिए सबसे योग्य थी. That was seemingly momentarily some little disqualification. यह क्षण भर के लिए एक छोटी सी एक अयोग्यता थी. And exactly in the same way, we also fall prey to many many such conditionings. और हम लोग विशेष रूप से ऐसी बहुत सारी जो बद्धताएं हैं उनके प्रभाव में आ जाते हैं. But Lord Ram was so sensitive in dealing with Mother Kaikeyi. लेकिन भगवान राम माता कैकेयी से जो व्यवहार करते थे उसमें बहुत संवेदनशील थे. You all know the story of how Bharat comes back from the mama's, from his uncle's house to find that Lord Ram has gone to forest. हमें पता है कि जब भरत महाराज वापस आए
तो अपने ननिहाल से और देखा कि भगवान राम जंगल जा चुके हैं। सो भरत बिकेम सो अपसेट एंड ही कलेक्टेड एवरी वन टू ब्रिंग बैक लॉर्ड राम फ्रॉम चित्रकूट. तो भरत बहुत ही ज्यादा व्यथित हो गए और उन्होंने सबको इकट्ठा किया ताकि वो भगवान राम को वापस ला सकें So अयोध्या in में। 2019 we had gone to that same place in Chitrakoot and where Ram Bharat Milap happened. तो हम लोग जब चित्रकूट गए थे उस समय उस स्थान पर गए थे जहां पर राम और भरत का मिलाप हुआ था। And this year with all of your permission we'll go to Ayodhya and discuss all the past times that happened in Ayodhya. तो आप सबके आशीर्वाद से हम इस बार अयोध्या जाएंगे और उन सभी लीलाओं की चर्चा करेंगे जो अयोध्या में हुई थी। So I welcome all of you to our Ayodhya Yatra in Durga Puja. तो मैं आप सभी को अयोध्या यात्रा में आने के लिए स्वागत करता हूँ। So when Lord Ram saw that so many devotees from Ayodhya are coming, so the first person he went and met was Mother Kaikeyi. जब भगवान राम ने देखा कि अयोध्या से इतने लोग आए थे, तो सबसे पहले वो जिनसे जाकर मिले, वो थी माता कैकेयी। Because he knew that the most affected person in the entire Ayodhya would be Mother Kaikeyi. क्योंकि उनको पता था कि जो सबसे ज्यादा प्रभावित व्यक्ति इस अयोध्या में होंगे, वो होंगी माता कैकेयी। Because if everyone's anger come together, the क्योंकि entire universal anger come together was directed to Mother Kaikeyi when Lord Ram left Ayodhya. क्योंकि अगर सभी के क्रोध को एकीकृत करके सारे ब्रह्मांड के क्रोध को अगर एकीकृत किया जाए, तो भगवान राम के पर जान उनके जाने के समय वो सारा क्रोध माता कैकेयी के ऊपर होने वाला था। There was not a single person in the entire creation at that time who was not cursing Mother Kaikeyi. और इस पूरे सृष्टि में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो माता कैकेयी को श्राप ना दे रहा हो। And Lord Ram could understand the emotional turmoil happening in the hearts of Kaikeyi. और भगवान राम माता कैकेयी के हृदय में जो भावनात्मक आंदोलन चल रहा था उसको भगवान समझ सके। Lord Ram took Mother Kaikeyi and put Dandavat to her and took her to a secluded place. भगवान राम कैकेयी के पास गए, उनको दंडवत किया और उनको एक एकांत स्थान में लेकर गए। And Lord Ram confessed that how it is just a matter of pastime that he is going out of Ayodhya. और उन्होंने बोला कि ये केवल एक लीला का मात्र पार्ट है कि वो अयोध्या से जा रहे हैं। There is no fault in her because see, he has incarnated to kill all the demons, and if he stays in Ayodhya, there he will not be able to kill any demon. और उन्होंने बोला कि माता कैकेयी की कोई गलती नहीं है क्योंकि उन्होंने अवतार ही लिया है इन सब राक्षसों का संहार करने के लिए, और यदि वो अयोध्या में रहेंगे तो उन राक्षसों का संहार किस प्रकार कर पाएंगे। So she is a divine instrument in his wonderful pastimes. तो वो भगवान की इस सुंदर लीला का एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट, एक दैवीय इंस्ट्रूमेंट है इस लीला को बाहर लाने के लिए। This is the sensitivity of Lord Ram. ये भगवान की संवेदनशीलता है। Lord Ram accepted, forgave Mother Kaikeyi, even if she was the cause of distress of so many people in Ayodhya. भगवान राम ने स्वीकार किया और क्षमा किया माता कैकेयी को, यहाँ तक कि जब वो सभी अयोध्या के वासियों को दुख देने का कारण बनी। Similarly, we may be falling prey to our conditionings and anarthas. उसी प्रकार हम भी अपने
अपने बद्धताओं के कारण और अपने अनर्थों के कारण प्रभाव में आ सकते हैं। बट वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट कंपैशन ऑफ लॉर्ड राम इज बियॉन्ड आवर अनर्थास। लेकिन हमें समझना चाहिए कि भगवान राम की जो करुणा है वो इन सभी अनर्थों से ऊपर है। लॉर्ड राम डज नॉट गिव हिज मर्सी टू अस बेस्ड ऑन वेदर वी आर प्योर और नॉट प्योर। भगवान राम हमें अपनी कृपा इसलिए नहीं देते क्योंकि हम शुद्ध हो चुके हैं या हम अशुद्ध हैं। लॉर्ड राम्स मर्सी इज कंप्लीटली अनकंडीशनल। भगवान राम की कृपा पूर्ण रूप से किसी भी शर्त के बिना है। वॉट इज रिक्वायर्ड इज टू बिकम ए बेकर। और क्या चाहिए वो है कि हम एक भिखारी बन जाएं। द ग्रेटेस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ ए बेगर इज दैट ही बेग्स रिपीटेडली। और एक भिखारी की सबसे बड़ी योग्यता है कि वो बार बार भीख मांगता रहता है। द बेगर हु बेग्स रिपीटेडली गेट्स द आर्म्स। और जो भिखारी बार बार भीख मांगता रहता है उसी को अनाज प्राप्त होता है। इट्स नॉट द बेगर हु इज नाइसली ड्रेस्ड, ही विल गेट द आर्म्स। और वो बेगर वो भिखारी उसको नहीं मिलेगा जो बहुत अच्छे कपड़े पहन के आया है। इमेजिन ए बेगर गेटिंग आउट ऑफ द कार एंड हैविंग ए आईफोन एंड आस्किंग दैट प्लीज गिव मी सम आर्म्स। कल्पना कीजिए कोई भिखारी एक कार से आईफोन लेकर निकलता है और मांगता है कि मुझे थोड़े अनाज दे दीजिए। No one will give him. कोई उसको नहीं देगा। So the greatest qualification of being a beggar is to have all disqualifications. तो एक भिखारी की सबसे बड़ी योग्यता है कि उसके अंदर कोई योग्यता नहीं होनी चाहिए। And more he has disqualifications, more he is qualified to beg for the mercy of Lord Ram. और जितनी उसके अंदर अयोग्यता होंगी उतना ही वो योग्य बन जाएगा भगवान राम की कृपा प्राप्त करने के लॉर्ड लिए। राम अपियर्ड इन त्रेता युगा वेयर पीपल आर एक्सट्रीमली हैविंग सच माइंड कंट्रोल। भगवान राम त्रेता युग में अवतरित हुए थे जिस समय लोगों के अंदर बहुत ज्यादा नियंत्रण था अपने मन को नियंत्रण करने की इन द क्षमता थी। एंटायर लीला ऑफ अयोध्या ओनली कैकेयी मोमेंटरीली हैड सम लिटिल इशूज अबाउट माइंड कंट्रोल। और पूरी लीला में केवल कहके ही थी जो क्षण भर के लिए अपना मन मन जो है नियंत्रित ना कर सके। बट इन कलयुगा मोमेंटरीली वी आर एबल टू कंट्रोल आवर माइंड। लेकिन कलयुग में हम क्षण भर के लिए अपना मन नियंत्रित कर पाते हैं। ऑलमोस्ट इन ए स्पैन ऑफ आवर 100 ईयर्स वी रियली डोंट नो हाउ मेनी ऑफ अस विल लीव फॉर 100 ईयर्स। वट एवर लाइफ स्पैन वी हैव फॉर सम सेकेंड्स एंड मिली सेकेंड्स आवर माइंड इज कंट्रोल्ड। तो हमारे पूरे 100 वर्षों के जीवन में पता नहीं कितने हम में से कितने लोग 100 वर्ष जी पाएंगे। इन पूरे वर्षों में कभी कभी कुछ सेकेंड्स के लिए मिली सेकेंड्स के लिए हम अपना मन नियंत्रित कर पाते हैं। जस्ट इमेजिन हाउ मच लॉर्ड राम्स इज फीलिंग हैप्पी टू सी द कलयुगा बासीज। तो कल्पना कीजिए कि भगवान राम कितने प्रसन्न होंगे कलयुग के निवासियों को देखकर। बिकॉज हिज मर्सीज ही कैन गिव अनलिमिटेड वेज। क्योंकि भगवान राम अपने अनंत तरीकों से अपनी कृपा को भेज सकते हैं। एवरी वन इज परसोनिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसफंक्शनल बिहेवियर। तो प्रत्येक व्यक्ति ये मानसिक जो जो हमारे डिसफंक्शनल माइंड है उसका व्यक्तिकरण है। देयर इज ए वोल्केनो इन एवरीवन्स हार्ट। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक ज्वालामुखी है। एंड एज सून एज यू इंटरैक्ट दैट वोल्केनो इरप्ट्स। जैसे ही आप कुछ इंटरेक्ट करते हैं तो तुरंत ही ये ज्वालामुखी फूट पड़ता है। समटाइम्स वी गो फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन। कभी कभी हम लोग पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं। एंड समटाइम्स द पर्सन विल बी वेरी नाइसली ड्रेस्ड एंड विथ टाई एंड सूट एंड बूट एंड एवरी थिंग एंड वी विल जस्ट आवर डिवोटीज विल फोल्ड देयर हैंड्स एंड प्लीज जस्ट सी दिस बुक। और हम किसी के पास जाते हैं जो बहुत अच्छा सूट बूट टाई लगा के होता है और हमारे भक्त उसके सामने प्रार्थना करते हैं कि केवल इस बुक को इस पुस्तक को थोड़ा देख लीजिए। एंड हिज एक्सटर्नल अपियरेंस विल लुक एज इफ ही इज कमिंग फ्रॉम वैकुंठा।
और उसका जो बाह्य रूप से ऐसा लगता है कि जैसे वो वैकुंठ से ही चला आ रहा द है, मोस्ट सिविलाइज्ड पर्सन इन द एंटायर क्रिएशन, और सबसे ज्यादा सिविलाइज्ड व्यक्ति है, एंड द वे ही विल साउट एंड विद अब्यूजिव वर्ड्स सीइंग द भगवत गीता, और जब वो भगवत गीता देखता है इतने गंदे गाली देता है, इतने गंदे तरीके से व्यवहार करता है। सो दिस इज कलयुगा। तो ये कलयुग है। सो हाउ मच वी आर फॉर्चुनेट टू सेलिब्रेट टुडे राम नवमी बिकॉज ऑफ Kaliyuga, being born in Kaliyuga, we are thoroughly disqualified. So we have all reasons to become a humble beggar in front of Lord Ram. So, हम कितने कितने भाग्यशाली हैं कि हम आज राम नवमी का उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि कलयुग में पैदा होने के बाद हमारे अंदर जो सबसे ज्यादा अयोग्यता है उसके कारण हमें भगवान राम की कृपा प्राप्त हो रही है। We have nothing to be proud of in Kaliyuga. हमें इस कलयुग में कुछ भी घमंड करने के लिए हमारे पास है ही नहीं। स्पिरिचुअली वी आर इन कलयुगा इज अ स्पिरिचुअली डेवास्टेटिंग सिचुएशन। कलयुग जो है आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह नष्ट कर देने वाला समय है। सो हाउ फॉर्चुनेट वी आर, हम कितने भाग्यशाली हैं। And we can take these conditions of ours and become the most desperate beggar in front of Lord Ram today. तो हम अपनी इन बद्धताओं को ले जा सकते हैं भगवान राम के सामने जाकर, हम अयोग्यताओं के साथ बहुत अच्छे से भगवान से एक And if Lord Ram gave mercy to the Treta Yuga Vasis, then he will definitely give to Kali Yuga Vasis. और उन्होंने अगर त्रेतायुग वासियों को अपनी कृपा दी है तो निश्चित रूप से वो कलयुग वासियों को अपनी कृपा देंगे। एंड देन लॉर्ड राम पैसिफाइज एवरीवन एंड सेंड्स देम बैक टू अयोध्या एंड मूव्स अहेड इन द फॉरेस्ट। और फिर भगवान राम सभी को संतुष्ट करते हैं और उनको वापस अयोध्या भेज देते हैं और आगे जंगल में बढ़ जाते हैं। एंड टू जस्ट इंक्रीज द entertainment and adventure of the pastime, Lord Ram allows Mother Sita to be kidnapped. और मनोरंजन के लिए और लीला के रोमांच को बढ़ाने के लिए भगवान सीता माता का अपहरण हो जाने के लिए आज्ञा दे देते हैं। Because if there is no villain, the love story appears so pale and dull. और यदि प्रेम कहानी में कोई कोई खलनायक नहीं है तो वो प्रेम कहानी बिल्कुल ही रसहीन लगती है। Because how would the hero show his heroic deeds if there is no villain? क्योंकि जो नायक है वो किस प्रकार अपने अपनी वीरता को प्रदर्शित करेगा यदि कोई खलनायक नहीं होगा सामने। And that is why Bollywood and Hollywood, they are all derived from this Ram Leela, that they portray in such wonderful ways the villain. So, आप इसी कारण आप देखेंगे कि किस प्रकार Bollywood, Hollywood ने रामायण से प्रेरणा लेकर वो कितने बड़े रूप में जो खलनायक है उसको प्रदर्शित करते हैं। And the villain comes and abducts the heroine, and the heroine is crying, "Oh, bachao, bachao, please help me," like this. तो खलनायक आता है और हीरोइन का जो नायिका है उसका अपहरण करके ले जाता है और नायिका चिल्लाती है, "बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ." And then the hero comes and fights with the villain. और तब नायक आता है और उस खलनायक के साथ युद्ध करता है। And people pay huge amount of money to see the same thing which we are offering as free in Ramlila. और लोग आते हैं और बहुत बहुत पैसा खर्च करते हैं ये सब देखने के लिए जो हम रामलीला में फ्री में दिखा रहे हैं। They go to INOX, they go to all these multiplex and all, they spend so much of money to see what is available completely free of cost in Ramlila. लोग जाते हैं INOX जाते हैं मल्टीप्लेक्स में जाते हैं और वहां हजारों रुपए खर्च करते हैं देखने के लिए वो चीज जो रामलीला में फ्री में दिखाई जा रही है। And the adventure that is available of
इफ यू सी द विलन कम्स इन सम एरोप्लेन और समथिंग, बट रावण केम इन सम विमान। आप देखते हैं कि मूवी में जो खलनायक है वो किसी बहुत बड़े प्लेन में आता है और यहाँ रावण एक विमान में आता है। And that Biman was very special. With just mind, the Biman would fly. और वो इतना विशेष विमान था कि केवल मन के द्वारा नियंत्रित होकर वो विमान चलता था। And Ravan came in the disguise of a sannyasi. और रावण एक सन्यासी का भेष रख के आया था। And then kidnapped Mother Sita. माता सीता का अपहरण कर लिया। And Mother Sita was crying and shouting, Ram, Lakshman, Ram, Lakshman, like that. And Ravan so mercilessly kidnapped Mother Sita and started taking her to Lanka. So Mata Sita chilla rahi thi, Ram, Lakshman, Ram, Lakshman. Lekin ye Ravan, isne bahut nirdayi hokar Mata Sita ko kheench kar apne viman mein le gaya. और अपहरण करके ले जाने लगा। And here comes Jatayu. और यहाँ पे जटायु आते हैं। Jatayu was convinced that he will never be able to fight with Ravan. जटायु को पूरी तरह पता था कि वो कभी भी रावण से युद्ध नहीं कर सकते, जीत नहीं सकते। That means he was convinced of his failure. उनको पता था कि निश्चित रूप से अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। In this world, it's the successful people who attract the attention of everyone. इस संसार में जो सफल लोग हैं वो लोगों के आकर्षण का कारण बनते हैं। Or at least those who have some possibility and probability of getting some success. और विशेष रूप से वो व्यक्ति जिनके थोड़ा सा योग्यता है कि वो किसी प्रकार से सफल हो सकते हैं। Like for example, there are people who invest money in some companies. They would not invest money in a company which doesn't have, which has all uneducated fellows who have no success testimonials. तो लोग अपना पैसा बहुत सारी कंपनियों में निवेश करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी कंपनी में कभी निवेश नहीं करेगा जिसमें सारे अनपढ़ व्यक्ति ही हों। And if asked for why we will invest money, if they say that you invest money so that your money goes to we are qualified to actually eat away all your money. कोई भी ऐसी कंपनी में निवेश नहीं करेगा जो ये कहती है कि आप मुझे पैसा दीजिए और हम पूरा आपका पैसा नुकसान कर देंगे। No one would invest in such a company. कोई भी ऐसी कंपनी में निवेश कभी नहीं करेगा। Generally people are attracted to success. तो लोग साधारणतया सफलता के प्रति आकर्षित होते हैं। All types of relationships in this world is based on people or aspirations who are successful. सभी प्रकार की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो लोगों की होती हैं, सफल लोगों के प्रति है। Everyone is attracted to those who are successful or having some talents. प्रत्येक व्यक्ति उनके प्रति आकर्षित है जो या तो सफल है या जिनके अंदर बहुत योग्यताएं हैं, कोई विशेषताएं। Which talents can be translated into success? वो ऐसे टैलेंट उनके अंदर जो जो कि सक्सेस बन जो सफलता दे सकते हैं उनको। But Jatayu had nothing. जटायु के पास ऐसा कुछ भी नहीं। He didn't had any talents to become successful. तो उनके अंदर ऐसा कोई भी विशेष गुण नहीं था कि वो सक्सेसफुल बन जाते, सफल बन जाते। Nor he ever became successful. और वो कभी सफल बने भी नहीं। But Lord Ram's mercy is beyond success and failure. लेकिन भगवान राम की कृपा सफलता और असफलता से परे है। So how much we should become non-envious just by the knowledge of this fact. तो केवल ये जानकर ही हमें इतना non-envious हो जाना चाहिए। Sometimes we see other devotees successful. कभी-कभी हम देखते हैं कि कुछ भक्त बहुत सफल हो जाते हैं। And they do so many wonderful services. और वो इतने बहुत आश्चर्यजनक सेवाएं करते हैं।
एंड समटाइम्स और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी फील एनवियस अबाउट देम। और कभी कभी हम उनके प्रति ईर्ष्या महसूस करते हैं एंड वी थिंक दैट ओ व्हाट कैन बी डन, आई एम नॉट दैट सक्सेसफुल इन लाइफ, यू नो व्हाट इज द यूज ऑफ माय लाइफ। अगर हम सोचते हैं अरे मैं तो सफल नहीं हो सकता तो मेरे जीवन का क्या फिर लाभ है, एंड एक्चुअली दैट पर्सन सक्सेस इज बिकॉज ही इज सो मटेरियली अकम्प्लिश्ड, दैट्स व्हाई ही इज सक्सेसफुल। और फिर जो सोचते हैं कि वो व्यक्ति इसीलिए सफल है क्योंकि वो भौतिक रूप से बहुत क्वालिफाइड है, योग्य है। एंड वी ट्राई टू डेवलप लॉट ऑफ एनवी टुवर्ड्स हिम और हर, और हम उनके प्रति बहुत ज्यादा ईर्ष्या बढ़ा लेते हैं। But if we understand that whether I am successful or not, it is just how much sincerely I endeavor, which is important and prerequisite for getting Lord Ram's mercy. लेकिन अगर हम ये समझ जाएं कि ये सफलता और असफलता पर निर्भर नहीं करता, केवल भगवान राम की कृपा हमें वैसे भी मिलनी है। Because if we sincerely endeavor, that is the only qualification to get Lord Ram's mercy. तो अगर हमारा प्रयास बहुत सिंसियर होगा तो निश्चित रूप से हमें भगवान राम की कृपा मिल जाएगी। जटायु वॉज ए फेलियर एंड हनुमान वॉज ए सक्सेस। जटायु एक असफलता थे और हनुमान जो है एक सफलता थे। जटायु वॉज फिल्ड विथ डिसक्वालिफिकेशंस एंड हनुमान वॉज फिल्ड विथ क्वालिफिकेशंस। जटायु अयोग्यताओं से भरे थे लेकिन हनुमान जी वो योग्यताओं से भरे थे। एंड लॉर्ड राम गेव हिज मर्सी टू बोथ ऑफ देम। और भगवान राम ने दोनों को ही अपनी कृपा दी। रादर लॉर्ड राम नॉट इवन डिड फ्यूनरल राइट्स फॉर दशरथ महाराज बट ही डिड फ्यूनरल राइट्स ऑफ जटायु। भगवान राम ने दशरथ महाराज का अंतिम संस्कार नहीं किया किंतु उन्होंने जटायु महाराज का अंतिम संस्कार किया। सो लेट अस दिस राम नवमी गेट रिड ऑफ दिस हॉरिबल थॉट दैट लॉर्ड राम्स मर्सी इज डिपेंडेंट ऑन माय सक्सेस और वेदर आई गेट सक्सेस और फेलियर। रादर लॉर्ड राम्स मर्सी इज बेस्ड ऑन माय सिंसियर एंडेवर्स। तो हम इस राम नवमी पर ये कोशिश करें कि हम इस खराब विचार से बाहर निकल सके कि भगवान राम की कृपा मेरी सफलता असफलता पर निर्भर करेगी, और हम ऐसा विश्वास समझ सके कि भगवान राम की कृपा केवल हमारे प्रयास पर निर्भर करेगी। Whether we are successful in chanting the Hare Krishna Mahamantra attentively or failure in it, if we sincerely endeavor, Lord Ram's mercy is there for us. हम भगवान के नाम का जाप ध्यान से कर पाए या ना कर पाए लेकिन यदि हम प्रयास करते हैं बहुत बहुत ध्यान से तो भगवान की कृपा हमें जरूर मिलेगी। So Lord Ram's mercy is beyond success and failure. तो भगवान की जो कृपा है वो सफलता और असफलता से परे है। And then Lord Ram started moving around the forests like a madman searching for Mother Sita. और भगवान राम सीता महारानी की खोज में एक पागल व्यक्ति की तरह जंगल में भटक रहे थे। And Lord Ram finally made some sages. भगवान राम अंत में जाकर कुछ ऋषियों से मिले। And these sages, they were brahmacharis, sannyasis like me, and they said to Lord Ram that we cannot understand the pain of separation of a loving wife. जो ये जो सन्यासी जो ऋषि थे वो सभी सन्यासी ब्रह्मचारी थे प्रभु जी की तरह, और वो ये भगवान से कहते हैं कि हम कभी भी एक व्यक्ति के मतलब माता सीता के खोने का जो दर्द है वो नहीं समझ सकते। Because we didn't have wife. क्योंकि हमारी तो कोई पत्नी नहीं है। And these are त्रेता युग wives. और ये जो है त्रेता युग की पत्नी थी। कलयुग वाइफ्स पीपल इट्स देयर इज नो मच अफेक्शन लेफ्ट बट दीस आर त्रेता युग वाइफ्स एंड लाइक दैट।
कलयुग में पत्नियों के ज्यादा प्रेम नहीं बचा है, लेकिन वो त्रेता युग की पत्नियां थी जिनके जो बहुत प्रेम करती एंड मदर सीता इज नॉट जस्ट ऑफ त्रेता युग, मदर सीता इज फ्रॉम वैकुंठ, सी इज लक्ष्मी हरसेल्फ। तो माता सीता तो त्रेता युग की भी नहीं थी, वो तो वैकुंठ से थी, वो स्वयं लक्ष्मी थी। सो हाउ मच मदर सीता वुड बी लविंग लॉर्ड राम, तो कितना प्रेम करती होंगी माता सीता एंड भगवान राम हाउ को, लॉर्ड राम वुड बी मिसिंग एंड फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम हर। और किस प्रकार भगवान राम उनको बहुत ज्यादा मिस कर रहे होंगे। एंड वॉट दीज सन्यासीज विल अंडरस्टैंड, और वो सन्यासी क्या समझेंगे इस बात दे को, विल से जस्ट लॉर्ड राम जॉइन अस, लेट्स डू राम भगवान से कथा। कहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हम राम कथा करते हैं। बट दे डिडंट सजेस्टेड लाइक दिस, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया, दे सजेस्टेड लॉर्ड राम टू मीट सुग्रीव। उन्होंने भगवान को ऐसे सलाह दी कि वो सुग्रीव से जाकर मिले। सुग्रीव ऑल्सो हैड लॉस्ट हिज वाइफ, सुग्रीव की भी पत्नी खो गई थी, मतलब सो दोनों। देर कैन बी अ वेरी गुड अलायंस बिटवीन लॉर्ड राम एंड सुग्रीव। तो भगवान राम और सुग्रीव के बीच में बहुत अच्छा गठबंधन हो सकता है। लॉर्ड राम मेट सुग्रीव एंड सेड दैट आई विल हेल्प यू टू गेट योर वाइफ एंड यू हेल्प मी टू गेट माई वाइफ। तो भगवान राम सुग्रीव से मिले और बोला कि मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी लाने के लिए सहायता करूंगा और तुम मुझे मेरी पत्नी को प्राप्त करने के लिए सहायता करो। जस्ट इमेजिन, दिस इज द मोस्ट विन विन कोलैबोरेशन। तो आप कल्पना कीजिए कि ये सबसे ज्यादा विन विन गठबंधन था, बट इट वॉज नेवर विन विन। लेकिन ये कभी भी विन विन नहीं था। सुग्रीव डिंट हैड एनी क्वालिफिकेशन टू बिकम फ्रेंड्स विथ लॉर्ड राम। सुग्रीव के अंदर कोई भी योग्यता नहीं थी भगवान राम का मित्र बनने के लिए। He agreed for all the proposals. Yes, we will send the troops to for the Banar Sena to search for Mother Sita, and you just make me the king. Now I do not have anyone. And Lord Ram killed Bali and made Sugriv the king. And then, yes. सुग्रीव ने सभी प्रकार के जितने प्रपोजल थे उसने स्वीकार कर लिए कि आप मेरी पत्नी को प्राप्त करवा दीजिए, आप मुझे राजा बना दीजिए, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपकी सहायता कर सकूं। सो आफ्टर सुग्रीव वॉज डिक्लेयर्ड किंग मोस्टली इन दिस समर सीजन, द रेनी सीजन स्टार्टेड। और जब इस ग्रीष्म ऋतु में उनको राजा बना दिया गया, उसके बाद तुरंत वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई। एंड बिकॉज इन रेनी सीजन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गो आउट फॉर हंटिंग एंड सर्चिंग फॉर मदर सीता, सुग्रीव सेड दैट आफ्टर द रेनी सीजन इज ओवर आई विल सेंड द बानर सेना। और क्योंकि वर्षा ऋतु में कहीं भी जाकर माता सीता को खोजना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए सुप्रीम ने कहा कि ये वर्षा ऋतु बीत जाए, उसके बाद हम माता सीता की खोज प्रारंभ करेंगे। एंड रेनी सीजन वेंट अवे, आश्विन केम, कार्तिक केम एंड सुग्रीव वॉज नॉट कमिंग। और जो वर्षा ऋतु चली गई, अश्विन महीना आ गया, कार्तिक महीना आ गया, लेकिन कोई भी खबर नहीं आई सुप्रीम के पास। एंड लॉर्ड राम गेट्स द न्यूज दैट सुग्रीव इज एंजॉइंग विद सो मेनी लेडीज एंड डूइंग ऑल साइड्स ऑफ थिंग्स एंड फॉरगॉट। भगवान राम को खबर मिली कि सुग्रीव जो है अपने महल में बहुत सारी स्त्रियों के साथ बहुत आनंद उठा रहा है और पूरी तरह भूल चुका है। एंड लॉर्ड राम वेटेड एंड वेटेड एंड फाइनली लॉर्ड राम सेंड्स लक्ष्मण। भगवान राम ने प्रतीक्षा की, बहुत प्रतीक्षा की, और फिर अंत में जाके उन्होंने लक्ष्मण को भेजा। लक्ष्मण बिकेम सो एंग्री, लाइक प्रैक्टिकली बर्निंग। इनसिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ लक्ष्मण इज लॉर्ड शिवा रुद्रा। तो लक्ष्मण बहुत ही क्रोधित थे और वो क्रोध से जल रहे थे। लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण है जिनका बहुत छोटा सा विस्तार है भगवान शिव। एंड हिज एंगर प्रैक्टिकली क्रिएट्स यूनिवर्सल डिस्ट्रक्शन। और जो उनका क्रोध है वो
व्यवहारिक रूप से पूरे सृष्टि को ही नष्ट कर देता एंड है। नाउ लक्ष्मण हु इज द सोर्स ऑफ ऑल अनलिमिटेड लॉर्ड शिवास ही बिकेम एंग्री। और लक्ष्मण जो कि जो कि जो अनंत शिवाओं का स्रोत है वो भी गुस्सा हो गए। एंड लॉर्ड राम सुग्रीव सेंड्स हिज वाइफ टू द डोर बिकॉज ही वॉज सो अफ्रेड टू इवन मीट लक्ष्मण। तो सुग्रीव ने अपनी पत्नी को आगे भेज दिया लक्ष्मण से मिलने के लिए क्योंकि उनको इतना भय लग रहा था लक्ष्मण से। एंड फाइनली सुग्रीव अंडरस्टैंड्स हिज मिस्टेक एंड देन ऑर्डर्स ऑल द मंकी सोल्जर्स टू गो एंड फाइंड आउट मदर सीता। और अंत में सुग्रीव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सारे वानरों को बुलाकर उनको माता सीता की खोज में चारों दिशाओं में। सो द ग्रेटेस्ट रेसिपिएंट ऑफ लॉर्ड राम्स मर्सी वेर द मंकीज। भगवान राम की कृपा को प्राप्त करने वालों में जो सबसे ज्यादा थे वो थे बंदर वानर। एंड वी हैव सीन ऑल मंकीज। हमने सारे बंदरों को देखा है। वी यू ऑल हैव एक्सपीरियंस्ड इन आवर चित्रकूट यात्रा बट आई एम बिकॉज़ फ्रॉम आई एम फ्रॉम पुरी आई नो व्हाट आर मंकीज। आप सबने चित्रकूट यात्रा में देखा होगा लेकिन क्योंकि मैं प्रभु जी पुरी से है तो उन्होंने पुरी के मन बंदरों को देखा है। And we all have experienced the monkeys of Vrindavan. और हम सभी ने वृंदावन के बंदरों को भी देखा, उनका अनुभव। The monkeys of Vrindavan, they only take out spectacles. वृंदावन के वानर हैं, वो तो केवल चश्मा छीन के ले जाते हैं। But monkeys of Puri don't make any distinctions. लेकिन जो पुरी के बंदर हैं, वो इस प्रकार का कोई भी Whatever is there in your hand will be taken away. जो भी आपके हाथ में है वो लेके जाएंगे। If you are not careful, अगर आप सावधान नहीं हैं। And they are close to Anand Bazaar. That means the place where everyone gets food. और वो आनंद बाजार के पास में रहते हैं, वो जहाँ पर हर किसी को प्रसाद मिलता है। And they also get unlimited prasad from Anand Bazaar. और उनको भी अनंत मात्रा में प्रसाद मिलता है आनंद बाजार से। बट द मेंटालिटी ऑफ मंकी इज वन हु फाइंड्स प्लेजर इन स्टीलिंग। लेकिन जो एक बंदर की मानसिकता है वो है कि उसको दूसरों से छीन के लेने में खुशी होती है। इफ यू ऑफर समथिंग टू अ मंकी देन मंकी विल नॉट बी वेरी ग्रेटफुल, मंकी विल स्नैच इट इवन इफ यू आर ऑफरिंग इट। अगर आप बंदर को कुछ अर्पित करते हैं तो उसको प्रसन्नता नहीं होगी, वो छीन के लेने में ही उसको प्रसन्नता होगी। सो दैट इज द मेंटालिटी ऑफ ए मंकी। तो ये बंदर की मानसिकता। नो वन कैन ट्रेन ए मंकी। कोई भी बंदर को जो है प्रशिक्षण नहीं दे सकता। देयर आर सम पीपल हु ट्रेन मंकीज टू जंप लाइक दिस एंड डाइव बिकॉज दे आर अटैच्ड टू ए रिंग एंड ए रोप। कुछ लोग बंदरों को प्रशिक्षण देते हैं रिंग में से कूदने के लिए, वो इसलिए क्योंकि उनके गले में जो है फंदा लगा रहता है। मंकीज एज सून एज दे आर रिलीज्ड दे आर गॉन। और जैसे ही वो छूट जाते हैं तो वो भाग जाते हैं, चले जाते हैं। एंड यू विल सी दैट दीज मंकी ट्रेनर्स दे टेक स्मॉल बेबी मंकीज। आप देखेंगे ये जो मंकी जो बंदरों को प्रशिक्षण देने वाले होते हैं वो छोटे छोटे बच्चे वाले जो बंदर होते हैं बच्चे विच आर इजी टू कैच, इनको आसान है पकड़ना। बिग मंकीज यू कैन नॉट कैच। बड़े बड़े बंदरों को आप नहीं पकड़ सकते। वी आर द बिगेस्ट मंकीज ऑफ कलयुगा। वो जो सबसे बड़े बंदर है कलयुग के। द मंकीज दे स्टे इन फॉरेस्ट एंड वी स्टे इन कॉर्पोरेट फॉरेस्ट। बंदर जो है वो जंगलों में रहते हैं और हम जो व्यावसायिक जंगलों में रहते हैं। मंकीज हैव नो मनी टू वियर ड्रेस एंड वी हैव मनी बट वी डोंट वियर ड्रेस। बंदरों के पास पैसा नहीं है क्योंकि वो ड्रेस नहीं पहन, इसलिए वो ड्रेस नहीं पहन सकते, लेकिन हम तो ड्रेस पहनना ही नहीं चाहते। वी हैव मनी, आई सी हियर इन सापुर जी दे आर वेरी वेरी दे हैव मनी दे आर अर्निंग बट दे डोंट वॉन्ट टू वियर ड्रेस सो दे आर they are not monkeys but they want to become monkeys. वो लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन हमने देखा है कि वो कपड़े पहनना ही नहीं चाहते हैं,
दे जस्ट वांट टू, मतलब वो बंदर ही बनना चाहते हैं। मंकी इज फोर्स्ड बाय नेचर बट ह्यूमन बींग्स ऑफ कलयुगा दे आर वॉलंटरिली एक्सेप्टेड इन बिकमिंग अ मंकी। तो जो बंदर हैं उनको तो प्रकृति ने ऐसा बनाया है, लेकिन जो यहाँ कलयुग के जो इंसान है वो स्वयं ही अपने आप को बंदर बना देना चाहते हैं। एंड दे मेक ऑल साउंड्स एंड स्क्रीचिंग एंड स्क्रीमिंग एंड इन दिस वी सी दैट पीपल आर जस्ट साउटिंग एंड क्वारलिंग एंड ऑल दोस थिंग्स इन कलयुग। हाँ, तो वो आवाज करते हैं चिल्लाने की, चीखने की, और हम देखते हैं कि जो कलयुग के लोग हैं वो इसी प्रकार से चीखने चिल्लाने की आवाजें करते रहते हैं। सो वी आर ऑथराइज्ड वेंडर्स, ऑथराइज्ड रेसिपिएंट्स ऑफ लॉर्ड राम्स मर्सी। तो हम भगवान की कृपा को प्राप्त करने के आधिकारिक पात्र हैं। सो इन त्रेता युगा मंकीज वर मंकीज एंड ह्यूमन बींग्स वर ह्यूमन बींग्स। त्रेता युग में बंदर बंदर थे और इंसान इंसान थे। बट इन कलयुगा मंकीज हैव रिमेंड मंकीज बट ह्यूमन बींग्स हैव बिकम मंकीज। लेकिन कलयुग में बंदर तो बंदर ही रहे, लेकिन इंसान जरूर बंदर बन गए। एंड बाय द पावर ऑफ डार्विन्स थ्योरी वी हैव डिक्लेयर दैट वी हैव कम फ्रॉम मंकीज। और ये डार्विन थ्योरी की शक्ति से हमने ये सिद्ध कर दिया है कि हम बंदरों से ही आए हैं। जस्ट इमेजिन, सो बिकॉज आवर ओरिजिन इज फ्रॉम मंकीज पीपल बिहेव लाइक मंकीज। क्योंकि हमारा स्रोत जो है बंदरों से है, इसलिए हम बंदर ही बन गए। One devotee says that monkey is जो मन की सुनता है, मन की। एक भक्त कहते हैं monkey वो है जो मन की सुनता है। And there is a beautiful verse on this regard in Srimad Bhagavatam which we will be reciting right now by Hanumanji. So this verse is spoken by Hanumanji in glorification of Lord Ram in as mentioned by Sukadev Goswami. This verse is from the 5th canto, 19th chapter, 7th verse. As yes, sorry. तो हम ये श्लोक सुनेंगे जो हनुमान जी श्रीमद् भागवतम में आता है, जो हनुमान जी ने श्लोक बोला था, ये श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में है। We have seen in the while discussing about the universal Vedic cosmology, we saw that there is a verse called the Kim Purusha Loka. तो हमने वैदिक कॉस्मोलॉजी के बारे में जब जाना था, तो हमने देखा था कि एक वर्ष है जिसका नाम है किम पुरुष वर्ष। So there, that is the place where Hanuman ji eternally resides. वो स्थान है जहाँ पर हनुमान जी सदा रहते हैं, निवास करते हैं। So Sukadev Goswami mentions in Srimad Bhagavatam the daily prayers of Hanumanji and the residents of Kim Purusha Loka. तो Sukadev Goswami Kim Purusha वर्ष के जो निवासी हैं और हनुमान जी हैं, उनकी जो प्रतिदिन की दैनिक प्रार्थनाएं हैं भगवान राम के चरणों में, जस्ट लाइक वी डेली प्रे संसार दावा नललीढ़ लोका मंगल आरती नरसिंह आरती। सो दिस इज द वर्स दैट द किम पुरुष लोकास दे रेगुलरली रिसाइट। जिस प्रकार हम प्रतिदिन संसार दावा नललीढ़ लोका इसको गाते हैं, इसी प्रकार किम पुरुष वर्ष के जो निवासी हैं वो इस श्लोक को गाते हैं। न जन्म नूनम महता न सौभगम, न जन्म नूनम महतो न सौभगम, न वाक् न बुद्धिर्न कृतिस्तोष हेतु, न वाक् न बुद्धिर्न कृतिस्तोष हेतु, तैर्याद् विसृष्टान् अपि नो वनौकशा, चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रज, चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रज, न जन्म नूनम महतो न सौभगम। ओ लॉर्ड, वी डू नॉट हैव हाई बर्थ, वी डू नॉट हैव एनी फॉर्चून बींग ए मंकी। हे भगवान, हमारा कोई भी
उच्च कुल में जन्म नहीं है, ना ही हमारा कोई भाग्य है क्योंकि हम बंदर हैं। न वाक न बुद्धिर, वी डू नॉट हैव पावर टू स्पीक एलोक्वेंटली, वी ओनली स्क्रीम एंड स्क्रीच। और हम हमारे अंदर बोलने की भी कोई शक्ति नहीं है, हम केवल चीखते चिल्लाते रहते हैं। न बुद्धिर, वी डू नॉट हैव एनी इंटेलिजेंस, हमें कोई बुद्धि भी नहीं है। न आकृति, वी डू नॉट हैव गुड ब्यूटिफुल फॉर्म बॉडीज ऑल्सो, तो हमारा सुंदर शरीर भी नहीं है। Which we can utilize for your satisfaction, to sahetu. जो हम आपके सेवा के लिए, आपकी संतुष्टि के लिए जिसका उपयोग कर सकते हैं। तेर यद विश्रिष्टान, even if we are born like this and we always reside in forest. और जबकि हम इस प्रकार के का जन्म है और हम हमेशा वन में ही निवास करते हैं। चकार सखे, still you made friends with us. फिर भी आपने हमारे साथ मित्रता की। बत लक्ष्मणाग्रजा, ओ द एल्डर ब्रदर ऑफ लॉर्ड राम, ओ द एल्डर ब्रदर ऑफ लक्ष्मण, ए लक्ष्मण के अग्रज। सो हियर द हनुमान जी मेंशंस अबाउट लक्ष्मण, यहाँ हनुमान जी लक्ष्मण जी के बारे में चर्चा करते हैं। We may have disqualifications, but Guru qualifies us to serve Lord Ram. हमारे अंदर अयोग्यता हो सकती है, किंतु गुरु हमें योग्य बनाते हैं। And that is why Lakshman or Guru is supposed to be the younger brother of Lord Ram. और इसी वजह से लक्ष्मण और गुरु भगवान के अनुज होते हैं। Anyone who wants to surrender to Lord Ram must go through the training of Lakshman or Guru. और कोई जो भगवान को भगवान की शरण में जाना चाहता है, उसको लक्ष्मण जी से या गुरु से प्रशिक्षण लेना पड़ता है। And Hanuman ji confesses that, oh my Lord, no one can train us. No guru can train us. और हनुमान जी ये स्वीकार करते हैं कि हे भगवान, हमें तो कोई भी प्रशिक्षण नहीं दे सकता। No Lakshman, no Guru, nothing, no training is possible for the monkeys. और लक्ष्मण जी या गुरु किसी भी प्रकार की कोई भी प्रशिक्षण बंदरों के लिए संभव नहीं है। Still you have accepted us. फिर भी आपने हमें स्वीकार किया। That is your great compassion. ये आपकी परम करुणा है। And we can see in Kali Yuga. To become a guru in Kali Yuga means to go through unspoken difficulties. और हमने देखा है कि कलयुग में गुरु बनने के लिए जो ऐसी-ऐसी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है जो आप बोल भी नहीं सकते। You have to train someone who doesn't want to get trained. आपको ऐसे व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना है जो कि प्रशिक्षण लेना भी नहीं चाहते। You want to educate who doesn't want to get educated. आप ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा देना चाहते हैं जो शिक्षा लेना नहीं चाहते हैं। You want to make someone civilized who doesn't want to get civilized. और आप ऐसे व्यक्तियों को आप civilized बनाना चाहते हैं जो कि बनना भी नहीं चाहते। You want to make someone devotee who doesn't want to become a devotee of Krishna and Ram. और आप ऐसे व्यक्तियों को आप भक्त बनाना चाहते हैं जो भगवान राम कृष्ण के भक्त भी नहीं बनना चाहते। So this is the difficulty in of a guru in Kali Yuga. तो ये कलयुग के गुरु की कठिनाई है। And how much we are fortunate to receive Lord Ram. और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें भगवान राम प्राप्त हुए। We are more horrible than even the monkeys. हम बंदरों से भी ज्यादा भयंकर हैं। And that is why we are more fortunate than even the monkeys. और इसीलिए हम बंदरों से भी ज्यादा सौभाग्यशाली। And that is why Lord Ram comes in Kali Yuga as Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. और इसी कारण से भगवान राम कलयुग में चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं। To distribute to all the monkey-like people of Kali Yuga his mercy. तो अपनी करुणा को वो बंदर रूपी जो कलयुग के निवासी हैं उन सबको अपनी करुणा देने के लिए आते हैं। So Kaikeyi didn't had mind control, Sugriv didn't had sense control, and monkeys didn't had civilized behavior.
कैकेयी के अंदर मन का नियंत्रण नहीं था, सुग्रीव के अंदर इंद्रियों का नियंत्रण नहीं था, और बंदरों के अंदर जो सिविलाइज्ड सभ्य व्यवहार, सभ्य व्यवहार नहीं था। यस, एंड सबरी डिडंट हैड एज एंड ब्यूटी, और शबरी के पास आयु नहीं थी, सुंदरता नहीं थी। एंड विभीषण डिडंट हैड हाई बर्थ, विभीषण का उच्च कुल में जन्म नहीं था। एंड लॉर्ड राम एक्सेप्टेड एवरीवन, भगवान राम ने सभी को स्वीकार किया। And we find in our heart the combination of disqualifications of all these personalities. तो हम अपने हृदय में ये सभी जो महान ये व्यक्तित्व हैं, इनकी जो अयोग्यताएं हैं, उनका जो समावेश है वो हमारे अंदर। We do not have high birth, kalau sudra sambhava, everyone is less than a sudra. और हमारा कोई उच्च कुल नहीं है, क्योंकि ये कलौ शूद्र संभव है, सभी जो है कलयुग में शूद्र पैदा होते हैं। We do not know civilized behavior, हमें सभ्य व्यवहार करना नहीं आता है। We do not have sense control, हमारा इंद्री पर कोई संयम नहीं है। We do not have mind control, हमारा मन पर कोई संयम नहीं है। So how much Lord Ram would be feeling ecstatic because His mercy can be propagated in Kaliyuga like anything. तो भगवान राम कितने आनंदित होंगे ये सोच के कि उनकी जो कृपा है वो कलयुग में बिना किसी रुकावट के सब जगह भेजी जा सकती है। And how much we should feel non-envious because Lord Ram's mercy is beyond any qualification. और कितना ज्यादा हमें ये अनुभव करना चाहिए, किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान राम की जो कृपा है वो सभी को समान रूप से प्राप्त हो सकती है। सो द फर्स्ट वे टू गेट रिड ऑफ एनवी इज टू अंडरस्टैंड द अनकंडीशनल कंपैशन ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो इस ईर्ष्या से मुक्त होने का जो पहला चरण है वो ये हमें समझना है कि भगवान की जो कृपा है वो अनकंडीशनल। इफ आई एम सक्सेसफुल कृष्णा लव्स मी, इफ आई एम ए अटर फेलियर स्टिल कृष्णा लव्स मी। मैं अगर सफल हूँ तब भी कृष्ण हमें प्रेम करते हैं, और यदि मैं असफल भी हूँ तब भी कृष्ण हमें प्रेम करते हैं। इफ आई हैव मनी देन कृष्णा लव्स मी, लॉर्ड राम लव्स मी, एंड आई एम ए बेगर, लॉर्ड राम लव्स मी। यदि मेरे पास पैसा है तब भगवान मुझे प्रेम करते हैं, और यदि मेरे पास पैसा नहीं है तब भी भगवान मुझे प्रेम करते हैं। इफ आई एम ए ह्यूमन बीइंग, लॉर्ड राम लव्स मी, एंड इफ आई एम ए हनुमान और मंकी और ए स्क्विरल और ए वल्चर, लॉर्ड राम लव्स मी। और यदि यदि मैं इंसान हूँ तब भी भगवान मुझे प्रेम करते हैं, लेकिन अगर मैं बंदर हूँ या गिलहरी हूँ या फिर भालू हूँ तब भी भगवान मुझे उतना ही प्रेम करते हैं। सो द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ बिकमिंग नॉन एनवियस इज कनेक्शन। तो जो द्वितीय सिद्धांत है नॉन एनवियस बनने के लिए वो है इकट्ठा करना, कनेक्शन। Yes, relationships. Sambandh. We see that if we find any relationship with anyone, we do not become envious of that person. हम देखते हैं कि जब हमें किसी से अपने संबंध का एहसास हो जाता है, तो फिर हमारे हमारे मन से उनके प्रति ईर्ष्या निकल जाती है। I have seen that though I was a topper from childhood, my sisters were not like that. मैंने अपने बचपन से देखा है कि यद्यपि मैं तो टॉपर था, लेकिन हमारी बहनें ऐसी नहीं थी। माय सिस्टर्स वर नॉट दैट वेरी वेरी गुड एट स्टडीज। तो मेरी बहनें पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी। And I remember when there was the announcement that I was topper, so many television channels they came to our house. और मुझे याद है कि जब मैं टॉपर बना था तो बहुत सारे जो टेलीविजन चैनल थे वो आ गए थे घर पे। एंड दे वांटेड टू इंटरव्यू मी, वो मेरा साक्षात्कार लेना चाहते थे। बट माय सिस्टर्स वर टेलिंग दैट ही इज आवर ब्रदर। लेकिन मेरी बहनें बोल रही थी कि वो हमारा भाई है। प्लीज टेक माय इंटरव्यूज एंड फोटोग्राफ्स आल्सो।
मेरा मेरा फोटोग्राफ, मेरा इंटरव्यू भी लीजिए। नेवर बिकेम एनवियस ऑफ माई सक्सेस। वो कभी मेरी सफलता से उन्होंने ईर्ष्या नहीं की। Rather, they used to heartily appreciate and support for everything so that I can become successful. वो एक्चुअली वास्तव में तो वो मेरे सफलता के लिए पूरा प्रयास करती थी कि सब कि मैं और भी सफल हो जाऊं। I became like this, and after I became what I became, my father was really upset. जब प्रभु जी मतलब ब्रह्मचारी बन गए इस प्रकार से, तो उनके पिताजी बहुत ही ज्यादा दुखी हुए। But it's all because of their support that I am going on. लेकिन ये सब उनके सहारे के कारण ही है कि मैं चलता जा रहा हूं। I do not have to even think at all, have little bit of anxiety about my father because I know that they are taking care of my father. तो मुझे थोड़ी सी भी चिंता नहीं होती है, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे पिता की बहुत अच्छे से देखभाल कर रही है। And when my father says कि just see what he has done, he should have done a job, he should have got married, what about our next generation to my sisters? जब मेरे पिताजी उनसे कहते हैं कि इसको देखो उसने क्या किया है, उसको जो जो नौकरी करनी चाहिए थी, उसको नेक्स्ट जनरेशन पैदा करनी चाहिए थी, शादी करनी चाहिए थी। Then my sisters tell to my father that you see, we cannot do bhakti like him. तो मेरी बहनें मेरे पिताजी से कहती हैं कि देखिए हम उसकी तरह भक्ति नहीं कर सकते। So let us at least bless him, support him, so that there is some possibility that we may get some credits out of his devotional service. तो हमें उसको थोड़ा सा सहायता करनी चाहिए, ताकि जो भक्ति कर रहा है उसकी भक्ति में के प्रगति से हमें थोड़ा सा मिलेगा फायदा कि हमने उसको सपोर्ट किया है। This is epitome of non-envious behavior. तो ये जो है नॉन एनवियस व्यवहार का जो सबसे बड़ा उदाहरण है। So if some devotee is doing some service, we must think that if I can become an assistant to that devotee, then I will please Krishna, Lord Ram, the most. यदि हम किसी भक्त को कुछ सेवा करते हुए देखते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि मैं उस भक्त का सेवक बन जाऊं, जिससे जिससे भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे। Any devotee who comes with some flower to offer to Lord Ram, Mother Sita says, "Please see how nice this devotee is." कोई भी भक्त जब भगवान के सामने एक छोटा सा फूल भी अर्पण करने के लिए आता है, तो माता सीता कहती है भगवान से, भगवान देखिए वो कितना अच्छा भक्त है। And Mother Sita gives all her blessings to that devotee and assist in his devotional or her devotional service. और माता सीता उसको सारे आशीर्वाद देती हैं और उनकी सेवा में सहायता करती हैं। This is the example of non-envious behavior. ये नॉन एनवियस व्यवहार का उदाहरण है। So if any devotee is successful and if we are यदि not, कोई भक्त सफल है और हम नहीं हैं, we can access that same mercy of Lord Ram just by assisting that successful devotee. तो केवल उस भक्त की सहायता करके, उनकी सेवा करके हम भगवान राम की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। Srila Prabhupada is successful. श्री प्रभुपाद सफल हैं All our acharyas are successful. और हमारे सारे आचार्य भी सफल हैं। If we just become an assistant to all our acharyas and Srila Prabhupada, we will access the same mercy of Lord Ram what they all have accessed. यदि हम अपने आचार्यों और श्रील प्रभुपाद के सहायक बन जाएंगे, तो हमें वो कृपा प्राप्त होगी जो कृपा हमारे आचार्य और श्रील प्रभुपाद को प्राप्त हुई है। Rather, we will access even more mercy than them. और बल्कि हम तो उनसे भी ज्यादा कृपा के पात्र बन जाएंगे। Because when Lord Ram sees
that we are appreciating his pure devotees, then he is ready to become a purchased servant in our life. क्योंकि जब भगवान ये देखते हैं कि हम उनके शुद्ध भक्त की सेवा में लगे हुए हैं, तो भगवान हमारे लिए एक बिकाऊ एक सेवक के तरह हो जाते हैं. So to get rid of this envious behavior is to develop connections with devotees, understanding that these are my family members. तो इस ईर्ष्यालु स्वभाव से मुक्त होने का यही तरीका है कि हम जो है इन भक्तों की सहायता, उनकी सेवा में उनके सहायक बन जाए. So our Dasoswami family is a family of devotees. Dasoswami परिवार हमारा ये भक्तों का परिवार है. Someone is successful, someone is little less successful, someone is educated, someone is uneducated. कोई सफल है, कोई असफल है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है. Someone is a brahmachari, someone is a grihastha. कोई ब्रह्मचारी है, कोई गृहस्थ है. Someone is having a bungalow, someone is having a 1 BHK flat. किसी का बंगलो है और किसी का 1 BHK. Someone is in working in India, someone is working abroad. कोई भारत में काम कर रहा है, कोई भारत के बाहर काम कर रहा है. Someone is able to give classes, someone cannot give classes. कोई कक्षाएं दे सकता है और कोई कक्षाएं नहीं दे सकता है. Someone is able to sing nicely and others are not able to sing nicely. तो कोई अच्छे से गा सकता है और कोई अच्छे से नहीं गा सकता है. Whatever we are, we must understand this is our family. जो भी है हमें ये समझना है कि यही हमारा परिवार है. And these are my family members now. और ये में हमारे परिवारी जन हैं. And it is this family I want to stay eternally. And ये जो परिवार है, इस परिवार के साथ मैं निरंतर रहना चाहता हूँ. And it is with this family that I want to go to Golok Vrindavan. और इसी परिवार के साथ मैं गोलोक वृंदावन जाना चाहता हूँ. I would not like to go to Vrindavan alone. मैं वृंदावन अकेला जाने के लिए तैयार पसंद नहीं करता. If I do not find my other friends of Dasoswami family. यदि मुझे अपने दासोस्मि परिवार के सारे मित्र नहीं मिलते हैं. So if we find that shelter in the association of devotees like this. यदि हमें वो शरणागति हमें इस प्रकार से शरण मिले भक्तों के संग में. That we are not ready to exchange with anything else this association of the Dasoswami family. हम इस संसार की किसी भी वस्तु से इसको नहीं एक्सचेंज करेंगे जो हमें भक्तों का संग प्राप्त हो रहा है. No envy can touch our heart. कोई भी किसी भी प्रकार की ईर्ष्या हमारे हृदय को छू. We may momentarily get affected by Kaikeyi, like Kaikeyi or Sugriv, but we will definitely go back to Godhead. क्षणिक रूप से हम Kaikeyi और Sugriv की तरह प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से भगवान के धाम वापस जाएं. Because our going back to Godhead is dependent on other devotees who are non-envious, and they will go back to Godhead and they are praying that I will not go if this devotee is not going, then Krishna will be forced to take us to Vrindavan. क्योंकि हमारा जो धाम जाने का जो रास्ता है वो सभी भक्तों के साथ जुड़ा हुआ है. क्योंकि अगर ये भक्त जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे लिए भी प्रार्थना करेंगे कि हम भी इनके साथ ही जाएं. United we stand and divided we fall. संगठित रहेंगे तो हम खड़े रहेंगे और अगर हम विभाजित हो जाएंगे so तो गिर जाएंगे. United way if we appeal to Krishna that we all want to come, so it's a recruitment procedure. Krishna will be happy because so many people are joining the Vrindavan service. यदि हम एक साथ मिलकर भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हम सबको आप अपने धाम में वापस लीजिए, तो भगवान ये रिक्रूटमेंट जो है सभी को एक साथ वृंदावन ले जाने के लिए तैयार होंगे. एंड बी सेंसिटिवली अवेलेबल व्हेन डिवोटीज फाइंड प्रॉब्लम्स इन लाइफ. संवेदनशील हो के हमें भक्तों के जीवन में यदि समस्या है तो उनके लिए हमें तैयार रहना. लॉर्ड राम वॉज अवेलेबल
टू पैसिफाई कैकेयी। भगवान राम उपस्थित थे माता कैकेयी को सहारा देने के लिए। लॉर्ड राम फॉरगेव सुग्रीव, उन्होंने सुग्रीव को क्षमा कर दिया। लॉर्ड राम actually gave time to Jatayu though he was a failure. भगवान राम ने जटायु को अपना समय दिया यद्यपि वो असफल हो गए। So to be a part of this family means to be available for to share the joys and sorrows with other devotees. तो इस परिवार का हिस्सा होने का अर्थ है कि हम बाकी भक्तों के सुख और दुख के समय हम उनके साथ हैं। So the greatest gift that Lord Ram has given us is this family of devotees. सबसे बड़ा उपहार जो भगवान राम ने हमें दिया है वो है इन भक्तों का परिवार। And to find a strong connection with this spiritual family, the Dasosmi family, will help us to dissolve our envy about anything or anyone of this world. यदि हम अपना ये जुड़ाव इस फैमिली के साथ, परिवार के साथ अनुभव कर पाते हैं, दासोस्मी परिवार के साथ, तो हमारा सभी प्रकार का जो बंधन है वो टूट जाएगा। So let's celebrate and thank Lord Ram on this Ram Navami for giving us the best birthday gift of this association of devotees. तो रामनवमी पर हम भगवान राम को अपनी कृतज्ञता अर्पित करें कि उन्होंने इतना अच्छा भक्तों का संग हमें दिया है। And there is nothing else in this world can satisfy our heart other than this association of devotees. और इस संसार की कोई भी वस्तु हमारे हृदय को संतुष्ट नहीं कर सकती इस परिवार से ज्यादा कोई भी वस्तु। And because this is spiritual connection, it will remain eternally. क्योंकि ये आध्यात्मिक जोड़ है इसलिए ये सतत रहेगा। Someone will leave this planet before and someone of us will leave the planet after. कुछ हम में से कुछ लोग इस ग्रह से जल्दी चले जाएंगे और कुछ बाद में जाएंगे। But those who will leave early will wait for all of us to reach in Vrindavan, and those who will leave late will find all of us in Vrindavan. जो जल्दी भगवान के धाम जाएंगे तो वो हमारे लिए इंतजार करेंगे कि बाकी हम लोग भी पहुंच जाएं, और जो जो देर से पहुंचेंगे वो देखेंगे कि सब उनका इंतजार कर रहे हैं। That should be our collective unity of purpose. तो हमारे जो संगठित उद्देश्य है वो यही होना चाहिए। And we should try our level best to inspire each other. हमें पूर्ण रूप से कोशिश करनी चाहिए एक दूसरे को प्रेरित करने। If the husband is very very inspired, then he should try to make the wife inspired in bhakti. यदि पति बहुत ज्यादा प्रेरित है तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी पत्नी को भी प्रेरणा दे। And if the wife is inspired, then she should make arrangements and avenues so that the husband is inspired. और यदि पत्नी बहुत प्रेरित है तो उसे बहुत सारे आयोजन करने चाहिए ताकि उनके पति भी प्रेरित हो सके। And if both husband and wife are inspired, they should make all arrangements to inspire others. और यदि हस्बैंड वाइफ दोनों ही बहुत प्रेरित हैं तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि बाकी लोगों को भी प्रेरणा दें। And in this way, Krishna, Lord Ram will be most happy with our endeavors. इस तरीके से भगवान राम और कृष्ण हमसे बहुत प्रसन्न होंगे हमारे प्रयासों के लिए। Lord Ram is Maryada Purushottam. भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सो वी मस्ट प्रे टू लॉर्ड राम टू गेट दिस फीलिंग ऑफ कमिटमेंट टू द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इन दासोस्मी फैमिली। हमें भगवान राम से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम भगवान के इस परिवार के संघ के लिए हमेशा प्रेरित रहें। जान जाए पर संग न जाए, चाहे जान जाए लेकिन ये संग हमारा ना जाए। And if we can make this commitment of developing spiritual connection with devotees of Lord Ram
in this Ram Navami, praying to Lord Ram, then definitely we will dissolve our envy and we will reach Sri Vrindavan Dham in this very life itself. यदि हम अपने भक्तों के संग के लिए इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं तो हम निश्चित रूप से अपनी सभी ईर्ष्या की भावना से ऊपर उठ जाएंगे और इसी जीवन में भगवान के धाम वापस चले जाएंगे। श्री श्री राम नवमी महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की नेताई गौर प्रेमानंदे, श्री श्री दासोस्मी परिवार वृंद की।